वेलकम टू माय चैनल सुरंजीत सर लाइव क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास नाइन्थ सेकंड टर्मिनल एग्जाम हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको इसमें से 100% गारंटी लेता हूं मैं कि फंसेगा। अगर नहीं फंसेगा तब हमको कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है तथा इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों, भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में स्थित है तथा इसकी स्थापना हरिपाद के द्वारा 8 दिसंबर 1950 को दिया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से 1963 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक ना दोस्तों। यानी कि 8 दिसंबर 1950 ईस्वी में आदेश दिया गया था, ठीक, लेकिन इसका शुरुआत जो है 1963 ईस्वी से किया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, किसी फेक क्वेश्चन के ऊपर मत जाइएगा कि आउट हो गया, अभी आउट नहीं हुआ और आउट होगा भी नहीं। आप लोग का ओरिजिनल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाइए, वही काम देगा, वहाँ एग्जाम में आपको लिख देना है, ठीक, अपने शब्दों में लिख देना, बस उसी से आपका नंबर मिल जाएगा। दूसरा है दोस्तों, बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप विशेष प्रचलित हैं? इसका उत्तर है, बिहार में शास्त्रीय संगीत के निम्नलिखित रूप हैं, पहला है धुपरद, दूसरा है ख्याल और तीसरा है ठुमरी इत्यादि विशेष प्रचलित, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन, लोकगीत किसे कहते हैं? हाँ दोस्तों, लोकगीत आप लोग देखे होंगे भोजपुरी गाना सब में लिखा रहता है लोकगीत, ठीक। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लोकगीत क्षेत्रीय स्तर पर प्रचलित गायन है जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोग में प्रचलित समाज द्वारा रुचित रचित एवं समाज लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। लोकगीतों के रचनाकार एवं लोक गायक अपने आप को अपने समाज के प्रति समर्पित कर देते हैं, इस प्रकार लोकगीत शब्द का अर्थ है, ठीक। दोस्तों इसमें देखिए कंडीशन भी दिया गया, पहला दिया लोक में प्रचलित, ठीक, दूसरा दिया लोक रचित गीत, उसके बाद तीसरा दिया लोक विषयक गीत। लोकगीत की प्रसिद्ध शैलियाँ कजरी, सोहर, चैती, लंगुरिया आदि लोकगीत के प्रमुख गायक शारदा सिन्हा, आप लोग सुनेंगे शारदा सिन्हा का गाना, उसके बाद प्रहलाद सिंह टिपानिया, उसके बाद भगत सिंह भारती आदि, इस प्रकार बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो कि लोकगीत है, लोक गायक है, ठीक ना। चलिए दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, बुच्ची दाय को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है और क्यों? इसका उत्तर है, बुच्ची दाय को सबसे ज़्यादा याद आती है सहेलियाँ माए, क्योंकि माँ कहती थी कि सहेलियाँ माए खबासी नहीं तुम्हारी दूसरी माँ है, इसी ने तुमको अपना दूध पिलाकर पाला पोसा। चलिए दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थानी समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना क्यों नहीं रोया? इसका उत्तर है दोस्तों, वातावरण की असमानता के बावजूद भी राजस्थानी समाज ने प्रकृति मिलाने वाले इतने कम पानी के लिए रोया नहीं अपितु इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में बहुत सरल ढंग से बहने लगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निबंध लेखन का मूल उद्देश्य क्या कहा है? इसका उत्तर है, ना निबंध मानसिक प्रकृतियों भावनाओं एवं विचारों का एक सांवरा रूप है, निबंधकार जीवन के चित्र खींचता है, जीवन के किसी कोने में झाँक कर वह जो कुछ पाता है और उसे मन में उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही वह निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है और वह अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाल देता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है, साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि जो काम से कम जरूरी है वही तक शिक्षा को सीमित किया गया तो बच्चों के मन की वृद्धि नहीं हो सकेगी, आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीनता के पाठ को पिलाना होगा अन्यथा बच्चे के चिंता का विषय नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कवि ने किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीयकरण किया?
तो इसका उत्तर है कवि ने आ रही रवि के सवारी कविता में रवि का मानवीकरण किया है, बादलों का भी सही मानवीकरण का स्वरूप प्रदान कर कविता में नई जान फूंक दी है। बिहग तारों रात का राजा यानी चांद आरी का प्राकृतिक वस्तुओं का कवि मानवीकरण एवं कविता में नए सौंदर्य की अभिवृद्धि की है। नवीकरण काली कुसुम का भी इस कविता में मानवीकरण किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौ नंबर का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाता है। आ रही रवि की सवारी कविता का केंद्रीय भाव क्या है, स्पष्ट करें। तो दोस्तों इसका उत्तर है आ रही रवि सवारी कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित की गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उपरोक्त कार्य पंक्तियों में बच्चन जी ने आशावादी भावनाओं को प्रकट करते हुए जीवन में उसके महत्व के प्रति सब ध्यान आकृष्ट किया है। बच्चन जी की पहली पत्नी ने असामयिका मृत्यु के कारण जीवन में निराशा छा गई थी। कवि बच्चन चिंताओं में घिरकर निष्क्रिय बन गए थे। कहने का मूल भाव यह है कि कवि के जीवन में निराश की जगह आशा की किरणें फूटी एवं नए नव उत्साह के साथ कविता काव्य सृजन की ओर उन्मुख हुआ। सूर्य की सवारी आ रही इस पंक्ति का आशय यह हुआ कि प्राची दिशा में सूर्य अपनी आभा युक्त किरणों के साथ पृथ्वी पर सवारी के साथ आ रहा है, यानी कवि के जीवन में नई चिंता ऊर्जा उत्साह का संपादन हो रहा है। आ रही रवि जी सवारी का प्रतीक प्रयोग केवल कवि के जीवन में नहीं चेतना और नवजागरण के स्फुरन से संबंधित नहीं बल्कि राष्ट्रीय में स्वाधीनता संग्राम एवं राष्ट्रीय के निव निर्माण से भी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा कि भारतीय रेल हमें किस तरह जीवन जीना सिखाती है, सविस्तार वर्णन करें। तो इसका उत्तर है भारतीय रेल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, क्योंकि यदि हम आत्मबल से हीन है तो गाड़ी में चढ़ नहीं सकते, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। अगर हमें आत्मबल है तो चढ़ गया उसकी जगह जो बैठ या उसकी सीट जो लेट गया उसकी बात्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। और भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।